हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे इस प्यारे से ब्लॉग में स्वागत है। तो आज का दिन का शुरुआत कुछ इस तरीके से हुआ है। अनुषा को कहीं से पेन और क्रेयॉन मिला था और कुछ कलर मिला था, तो जितना हो सके उसने कलर किया है अपने हाथों में भी। इवन मेरे घर पे एक टेबल है, वहाँ पर भी कलर किया है। मैं आपको दिखाऊंगी, पहले अनुषा का हालत आप देख सकते हैं। बट ये तो आई थिंक हर घर की कहानी है। ये तो अगर बच्चे लोग के हाथ में ये सब मिलता है तो वो यही करती है। शायद आपके घर में भी सेम हो, बट अब क्या ही कर सकते हैं। लेकिन मुझे जितना लगा है, ये जो दीवार पे कलर लगा है, इसे अगर आप नॉर्मली कपड़े से पोंछ दोगे तो उड़ जाएगा। तो मैंने पोंछने के बाद ही वो उड़ चुका है, लेकिन उसका फेस और हाथ पूरा गंदा हो चुका था। उसके बाद मैं इसे नहलाने के लिए ले गई। रोज़ का जो मेरे डेली रूटीन रहता है, मैं जो भी मेरे कपड़े धुलने के लिए जाता है वो ऑलरेडी मैं धो चुकी हूँ। उसके बाद भी और भी कपड़े हैं छत पे, मैं उसे भी लेने के लिए जाऊँगी। सब कुछ नहीं सूखे हैं, लेकिन अनुषा का कुछ कुछ सूख गया था, उसे मेरे घर पे लेके आई हूँ। अभी उसके समेट के फिर उसके बाद मुझे छत पर जाना है और भी कपड़े लाने। फ़िलहाल अनुषा नहा के लंच करके अभी वो खेल रही है। तो घर के काम के अलावा भी मेरे पास बहुत सारे छोटे मोटे काम होते हैं जो आप लोगों के सामने शायद मैं शेयर नहीं कर पाती। तो ये जो है हर रोज़ का मेरा काम है। थोड़ा सा चावल मैं अलग से रखती हूँ। घर पे जो छत है हमारे, वहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स आते हैं जिनको मैं फीड करवाती हूँ। तो उनको खिलाने के बाद अभी मुझे फ़िलहाल जो भी छत पे कपड़े हैं जो अभी तक नहीं सूखे हैं, उनको मैं घर पे लेके जाऊंगी और समेटने के बाद उसको जहाँ जहाँ रखना है उसे रखूँगी। तो आप देखते रहिए और हमारे साथ रहिए। तो सावन के इस हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रहा है, जो मुझे बहुत अच्छा फील करवा रहा है। नॉर्मली बहुत पहले से बारिश शुरू हो जाता है हमारे कोलकाता में, लेकिन इस बार इस वीक से बहुत अच्छी तरीके से बारिश हो रहा है। लेकिन आज थोड़ा सा धूप है, इसलिए मैंने सोचा कि जो भी मेरे घर पे बर्ड्स हैं उनको थोड़ा नहला दूँ। तो अनुषा फ़िलहाल मुझे हेल्प कर रही है, शायद कोशिश कर रही है। तो आप देखिए वो कैसे नहला रही है। तो सच बताओ, मेरे घर पे जो कोको है, आई मीन मेरे जो डॉग है, वो भी अनुषा से बहुत ज़्यादा डरती है, इसलिए छुप छुप के देख रही है ताकि अगर उसके सामने आ जाए वो उसे भी ना नहला दे। तो फिलहाल अनुषा बर्ड्स को नहलाने के बाद अभी हम लोग घर पे आए हैं मेरे रूम पे। तो वो फ़िलहाल वाटरमेलन खा रही है जो अनुषा के पापा ने ऑनलाइन से ऑर्डर किया था। फ़िलहाल हमारे जो एरिया है वहाँ पर वाटरमेलन बहुत कम मिलते हैं, इसलिए ऑनलाइन से ऑर्डर किया था जस्ट बिकॉज अनुषा को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसके भी मैं सीड्स रख दूंगी ताकि आगे मैं भी मैं छत पे मेरे टेरेस गार्डन पे इसे ग्रो कर सकूं। तो उसका भी वीडियो मैं आपको दूंगी, तो आप देखते रहिए। बट शी जस्ट लव वाटरमेलन जस्ट लाइक मी। मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है वाटरमेलन। मुझे लगता है मैंगो से भी मुझे ज़्यादा पसंद है वाटरमेलन, और घर में सबको ज़्यादा पसंद है मैंगो। बट मुझे और अनुषा को बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये नॉर्मली कुछ ही टाइम के लिए रहता है गर्मी के सीज़न में। तो फ़िलहाल यहाँ पे तो बहुत कम मिलते हैं, इसलिए ऑनलाइन से ऑर्डर किया हुआ है। और मैं भी खाती हूँ, अनुषा भी खाती है, लेकिन नॉर्मली उसके लिए ही आते हैं कि वो खा पाए, बिकॉज़ उसे पसंद है। बट शी जस्ट नो हाउ टू ईट वाटरमेलन। जैसे कि आप देख सकते हैं वो सीड्स निकाल के खा रही है। नॉर्मली हम लोग तो ऐसे ही खा लेते हैं कभी कभार, लेकिन उसे पता है कहाँ कहाँ सीड्स है, उसे फेंक के वो खा रही है, आप देख सकते हैं। तो फ्रूट खाने के बाद फ़िलहाल हम लोग सो गए थे। अभी सो के उठे हैं शाम के 7:30 बजे। तो फ़िलहाल जो भी मेरे घर का काम था, पूजा वगैरह मैं दे चुकी हूँ। देने के बाद अभी मुझे रात का डिनर बनाना है। मुझे पर्टिकुलर नहीं, मुझे और मेरे सास दोनों को बनाना है। आज का डिनर हम दोनों मिलके बनाएंगे, तो आपको मैं ज़रूर शेयर करूंगी।
तो आज का रात का जो डिनर बनेगा वो मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ, आलू और कद्दू की सब्जी। मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बनते हैं। वो मीठा बनता है लेकिन बहुत टेस्टी बनता है। अगर आपके घर में भी कुछ अलग तरीके से बनाते हैं तो इस तरीके से बना के देखना, बहुत अच्छा लगता है। पहले इसे मैं काट चुकी हूँ बहुत अच्छी तरीके से, छोटा पीस में मैं काट रही हूँ। आप प्रोसेस देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा कैसे काटना है। तो आप मुझे बताना मत भूलिएगा, किसे किसे कद्दू बहुत पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद है बिकॉज़ ये मीठा होता है, और नॉर्मली ये जो सब्ज़ी है पर्टिकुलर हम लोग और भी ज़्यादा मीठा बनाने के लिए इसमें चीनी देते हैं। तो फ़िलहाल अनुषा मुझे हेल्प कर रही है। सब्जी जो है सुबह आया था मार्केट से, अभी तक मुझे टाइम नहीं मिला इसे समेटूँ, तो अनुषा फ़िलहाल मुझे हेल्प कर रही है, आप देख सकते हैं। तो फिलहाल मैं आलू काट रही हूँ इसमें देने के लिए, तो थोड़ा सा बड़े साइज़ के काट रही हूँ कद्दू से, थोड़ा बड़ा। तो आप देखिए, जो भी इंग्रेडिएंट मुझे चाहिए वो मैं ले चुकी हूँ, और इसके साथ रात में बनेगा पूरी। फिलहाल जो भी आलू मैंने काटा था वो बॉईल कर चुकी हूँ, और थोड़ा सा मटर और छोले मैंने भिगोया हुआ था सुबह से, तो उसको मैंने बॉईल कर लिया है, और तेज पत्ते और एक सूखी चिली लिया है। इसके साथ हम लोग जो तड़का लगेगा इसमें, इसके लिए हम लोग दे रहे हैं तेज पत्ता, एक चिली ड्राई चिली, और उसके साथ 5 फोरन, मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं। और इसके साथ जो हम लोग मसाले ऐड कर रहे हैं, जो पेस्ट हमने दिया है अभी, इसमें टमाटर अदरक और ग्रीन चिली दिया हुआ है। ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं है इसमें लेकिन बहुत टेस्टी बनता है। तो इसके बाद हमने दिया है हल्दी और नमक। फिलहाल इसके बाद हम लोग देंगे चीनी, बिकॉज इसमें ज़्यादा ही चीनी जाता है, बहुत मीठा बनता है, और रात में अगर पूरी के साथ खाओ तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। ज़रूर आप घर में ट्राई करें। सो उसके बाद आलू और मटर भी मैंने दे दिया है, मेरी सास ने दे दिया है। मैं कैमरा देख रही हूँ और मेरी सास मुझे हेल्प कर रही है आज खाना बनाने में। उसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि जो भी हमारे कद्दू है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद घी दे के हमने निकाल लिया है, और चीनी दिया था लेकिन आपको वीडियो में नहीं दिखाया। बहुत अच्छा बना था, बहुत टेस्टी बना था, आप भी घर पर ट्राई करिए। तो कल मैंने जो मेले से लिया था वो आपको दिखाया नहीं, तो ये सिंदूर लिया था और एक काजल और कुछ छोटा मोटा सामान मैं आपको दिखा रही हूँ किचन का। ये मेरे सास ने लिया था ये 4 डब्बा, बहुत कम प्राइस में 10 रुपये में मुझे मिला था, मुझे नहीं मेरे सास ने लिया था। और ये भी जो कटोरी देख रही है, ये सब्जी काटने में बहुत हेल्प हो जाता है, ये भी छोटा छोटा लिया था, ये भी 10 रुपये का था। और जो पर्टिकुलर स्टोर से हमने लिया था यहाँ पे जो भी सामान था वो 10 रुपये का था, बहुत चीप प्राइस में मिल गया था और बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत हार्ड भी है प्रोडक्ट और हमने ले लिया। तो फिलहाल हम लोग पूरी बना रहे हैं रात के लिए, मैं और मेरी सास दोनों बना रहे हैं। पहले आपको बना के दिखा रहे हैं, उसके बाद हम दोनों मिल के लग जाएंगे पूरी बनाने के लिए। तो डिनर हमने बना लिया है, फिलहाल अभी रात के बज रहे हैं 11, अभी तक अनुषा के पापा घर पे नहीं आए हैं। अनुषा फिलहाल खेल रही है, नॉर्मली यही सब चलता रहता है रोज़ का जो ड्रामा है। और ये जो पाउडर का डब्बा है उसे इतना पसंद है, और उसे पाउडर से खेलना इतना पसंद है मैं क्या बताऊँ। तो अनुषा के पापा के लिए थोड़ा वेट करेंगे, उसके बाद हम लोग डिनर करेंगे, तो आप देखते रहिए। Thank you.
ऑलमोस्ट आधे घंटे बाद अनुषा के पापा भी आ चुके हैं। शायद आपको क्लियर ना दिखे, मैं कैमरे से वीडियो नहीं करती हूँ, मेरे फ़ोन से वीडियो करती हूँ, इसलिए शायद आपको क्लियर ना दिखे। तो वो अपने गैरेज में गाड़ी रख रहे थे और अनुषा ऊपर से पुकार रही थी कि पापा ऊपर आओ, मैं वही दिखाऊंगी और आपको सुनाऊंगी भी क्या बोल रही है वो, तो आप देखिए। उसके बाद अनुषा के पापा आने के बाद हमने डिनर किया, बट शी इज़ जस्ट सो एक्साइटेड। हर रोज़ वो जब भी पापा आते हैं दरवाजे के सामने जाके बोलते हैं कि क्या लाए हो मेरे लिए, दीजिए, तो ये सब तो चलता ही रहता है। तो आज का मैं जो डिनर दिखा रही थी आप देख सकते हैं, पूरी के साथ मिठाई लाए थे अनुषा के पापा रात में। सो मेरा आज का वीडियो इतना तक ही। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप लविंग माई क्यूट लिटिल प्रिंसेस अनुषा। बाय, गुड नाइट।